स्टूडेंट्स, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोमाइजोन, सी लैम्प्री, साइक्लोस्टोमेट्स, और प्यारे बच्चों उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज जो लेक्चर करवाएंगे हम वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए करवाएंगे, और बच्चों जितने भी नोट्स, पीडीएफ फाइल वो सब हमने वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सभी बच्चे डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज डिस्कस कर रहे हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ सी लैम्प्री पेट्रोमाइजोन, फर्स्ट ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट। प्यारे बच्चों कहाँ प्रेजेंट है बेटा, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन द फैरिंग्स रीजन, उसकी फैरेंजियल वॉल इन दैट लाइनिंग टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, एज वेल एज टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन हेड रीजन, क्योंकि बच्चों हेड रीजन वहाँ उसके ऊपर जो बक्कल फनल वहाँ से फूड इनटेक, और जहाँ बच्चों फैरिंग्स की बात करें वहाँ से बेटा वाटर इनटेक। तो टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन बोथ रीजन्स, कहाँ, ऑन हेड रीजन एज वेल एज इन फेरेंजियल वॉल। फिर देख रहे हैं बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्गन्स ऑफ स्मेल। क्या कह रहे हैं बच्चों, ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन बता रहे हैं, दैट ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन इज क्या कुछ, एक सैक दिखाई देगा, दैट इज ऑल्फैक्ट्री सैक, और इट इज ऑल्सो नेम्ड नेजोहाइपोफेसियल सैक। क्या काम ने ऑर्गन ऑफ स्मेल, दैट इज ऑल्फैक्ट्री सैक, ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन, और इट इज नेजोहाइपोफेसियल। ऐसा लग रहा है बेटा नेजल सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ, कौन, नेजल सिस्टम के साथ हाइपोफेसियल पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं हम। तो बच्चों इन सी लैम्प्री देर इज ए मीडियन ब्लाइंड सैक, ये देख रहे हैं बच्चों हेड रीजन के ऊपर, ये देख रहे हैं बच्चों मिड डॉर्सली अपर्चर इज देयर, एंड दिस वन इज मीडियन डॉर्सल एक्सटर्नल नेरिस और एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल, ठीक है बच्चों। और वो एक्सटर्नल अपर्चर, एक्सटर्नल नेरिस जो बचा रहे हो, दैट लीड्स इन दिस सैक। ये देख रहे हैं बच्चों बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज ऑल्फैक्ट्री सैक। और ऑल्फैक्ट्री सैक का बच्चों सेंसरी ऑर्गन स्मेल के लिए, ये देख रहे बच्चों अंदर की तरफ कुछ मेम्ब्रेनस फोल्ड्स आर देयर, एंड दीज मेम्ब्रेनस फोल्ड्स आर लाइंड बाय कौन, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट फोर एमसीक्यू शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए, दैट मेम्ब्रेन इज स्निड्रियन मेम्ब्रेन, इट इज सेंसिटिव किसके लिए बच्चों, स्मेल के लिए, ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम। फिर देख रहे हैं बच्चों ऑल्फैक्ट्री कैप्सूल, उसकी आउटर जो ऑल्फैक्ट्री सैक बता रहे हैं उसका कोट, दैट इज ऑल्फैक्ट्री कैप्सूल, एंड दिस ऑल्फैक्ट्री सैक इट लीड्स इन दिस लॉन्ग इलोंगेटेड कंप्रेस्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज नेजो हाइपोफेसियल सैक, दैट इज ये साफ साफ हमने लिखा बच्चों नोट्स में, इट इज ए रूडीमेंट, किसका रूडीमेंट, ऑफ पिट्यूटरी बॉडी, कौन, नेजो हाइपोफेसियल। ये सारा सिस्टम देख रहे हैं बच्चों दिस ऑल्फैक्ट्री सैक इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ नेजो हाइपोफेसियल सैक के साथ, इसीलिए बच्चों इस सिस्टम को नाम रखा हमने ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन, और इट इज ऑल्फैक्ट्री सैक और नेजो हाइपोफेसियल सैक, ठीक है। कहाँ देख रहे बच्चों दिस नेजो हाइपोफेसियल सैक, ये देख रहे हैं बच्चों नोटोकोड और ब्रेन उसके नीचे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ब्रेन देख रहे हैं बच्चों, ब्रेन का ये ऑल्फैक्ट्री लोब देख रहे हैं, ऑल्फैक्ट्री किसके लिए, सेंस ऑफ स्मेल के लिए, वहाँ बच्चों ये ऑल्फैक्ट्री सैक, वहाँ से ए पेयर ऑफ, ये साफ साफ दिखाई दे रहे बेटे, ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्ट्री नर्व्स किसको इनर्वेट करेंगी, इस ऑल्फैक्ट्री सैक को और ब्रेन के ऑल्फैक्ट्री लोब को, ठीक है बच्चों। कैसी नर्व्स हैं दीज, ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्ट्री नर्व्स, दीज आर सेंसरी नेचर, ठीक है। तो ये बच्चों सारा का सारा ब्रेन देख रहे हैं, ये ब्रेन उसका ऑल्फैक्ट्री लॉब देख रहे हैं बच्चों, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके नीचे नोटोकोड, एंड जस्ट बिलो दिस नोटोकोड दिस ट्यूबुलर सैक इज, इट इज नेजो हाइपोफेसियल सैक, ठीक है। उसके बाद ले रहे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज थर्ड पॉइंट, ईयर ऑडिटरी स्टैटो रिसेप्टर, स्टैटिक मीन्स बैलेंस के लिए, इट इज एन ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स हम देख रहे बच्चों दैट ईयर इज एक्सटर्नल नहीं, मिडल नहीं, ओनली इंटरनल ईयर इज देयर, तो दैट ऑर्गन इज मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। हमने कहा बेटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं आज, और प्यारे बच्चों क्या कुछ बता रहे हैं, इंटरनल ईयर दैट इज एन ऑर्गन ऑफ स्टैटिक ऑर्गन, इट इज
एन ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट मेंटेन्स बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखना बच्चों, और इट इज मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। दिस ऑडिटरी कैप्सूल क्या कुछ बता रहे बच्चों, दिस मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, ब्रेन का जो स्कल वगैरह बता रहे हैं, स्कल के अंदर बोनी कैप्सूल इज देयर, एट दैट बोनी कैप्सूल इज ऑडिटरी कैप्सूल, इन दैट बोनी कैप्सूल मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ इज लोस्ट। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट हमने कहा है शोर टाइप क्वेश्चन के लिए। एंड दिस मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ हैविंग टू अनइक्वल पार्ट्स, ये देख रहे हैं बच्चों ऊपर की तरफ वेरी लार्ज पार्ट इट इज क्या काम ने यूट्रिक्यूलस, एंड बच्चों उसका नीचे देख रहे हैं दिस लोअर पार्ट इज, एंड दिस स्मॉल राउंडेड नोब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पार्ट इज सैक्यूलस, इट मीन्स द इंटरनल ईयर मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ दैट इज प्रेजेंट इन जो स्कल की बात कर रहे हैं उसका ऑडिटरी कैप्सूल इज देयर बोनी लैब्रिन्थ, उसके अंदर बच्चों इज कहाँ लोकेटेड है प्रेजेंट है ये, और ये देख रहे बच्चों दैट मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ इंटरनल ईयर इट हैज़ टू पार्ट्स वेरी लार्ज अपर पार्ट इज दिस इज यूट्रिकुलस एंड दिस वेरी स्मॉल राउंडेड नोब लाइक स्ट्रक्चर इज इट इज सैक्यूलस। फिर बच्चों देख रहे हैं यूट्रिकुलस की बात करते हो उसमें देख रहे हैं बच्चों ये देख रहे हैं बच्चों सेंटर में कुछ, दिस वन इज एंडोलिम्फेटिक डक्ट, इसका मतलब प्यारे बच्चों इंटरनल ईयर द यूट्रिकुलस द सैक्यूलस दैट इज फिल्ड विद किसे कोई फ्लूइड बता रहे, दैट फ्लूइड इज एंडोलिम्फ, उसकी कोई डक्ट देख रहे हैं एंडोलिम्फेटिक डक्ट इज, कहाँ दिखाई देगी यूट्रिकुलस पार्ट के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे हम देख रहे हैं बच्चों, एक इन अपर रीजन Another fold is there and this one is invagination canal, upper region mein elongated structure is this one is invagination canal, lower region ke andar dekh rahe bachcho endolymphatic duct dono side mein dekh rahe bachcho, iska matlab anterior posterior dono taraf dekh rahe bachcho, kya dekh rahe hum semi circular canals are there, it means the utriculus having two semi circular canals, this one is anterior semi circular duct and this one is पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट, उस सेमी सर्कुलर डक्ट ईच सेमी सर्कुलर डक्ट का बेसल पार्ट देखे जो बच्चों, दैट बेसल पार्ट कैसा दिख रहे हैं राउंडेड स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज इट इज एम्पुला, क्या कुछ बता रहे हैं दो सेमी सर्कुलर डक्ट और सेमी सर्कुलर डक्ट का बेसल पार्ट दैट स्वोलन पार्ट इज इट इज एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट, उस एम्पुला के अंदर देख रहे बच्चों कोई सेंसरी ऑर्गन, एक एक पॉइंट नोट करेंगे बेटे शोर टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए, और दिस सेंसरी ऑर्गन इज क्रिस्टा, क्या काम ने दो सेमी सर्कुलर डक्ट हैं, टू सेमी सर्कुलर डक्ट कौन कौन सी है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ईच सेमी सर्कुलर डक्ट द बेसल पार्ट इज स्वोलन दैट स्वोलन पार्ट इज एम्पुला, इन दैट एम्पुला द सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर दीज आर क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस, ठीक है बच्चों, और ये देख रहे थे जो नीचे का पार्ट देख रहे हैं सैक्यूलस, इन दैट सैक्यूलस अनदर इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन इज देयर इट इज मैक्यूला सैक्यूलस, प्यारे बच्चों ये सारा सब कुछ जो इंटरनल ईयर की बात कर रहे हैं दैट इंटरनल ईयर यूट्रिकल एंड सैक्यूलस आर फिल्ड विद एंडोलिम्फ, और एंडोलिम्फ की बात करें तो उसके जो इंटरनल सीलियरी मेम्ब्रेन वो क्या करेंगे बच्चों उसमें करंट मेंटेन रखेंगे, उसमें जो फ्लूइड के मूवमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखना है, इट मींस इट इज ए स्टैटिक ऑर्गन ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इंटरनल ईयर मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ इट इज डाउटफुल फॉर हियरिंग बट इट इज एन ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, और बच्चों लास्ट लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, इसका मतलब बच्चों उसके हेड रीजन पे और बॉडी के दोनों तरफ लेटरल पोजीशंस के अंदर कहीं ना कहीं पैचेस दिखाई देंगे, सेंसरी सेल्स की बात कर रहे हैं, और बच्चों सेंसरी सेल्स एंड सेंसरी पैपिला वो क्या करेंगे बच्चों डिटेक्ट करेंगी किसको वाटर करंट्स को डिस्टर्बेंसेस को, वाटर करंट में डिस्टर्बेंसेस को टू अवॉइड एनिमीज से बचाना है, और बच्चों इन सर्च ऑफ फूड, तो प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शोर टाइप क्वेश्चंस के लिए आज का लेक्चर था, और लेक्चर में सेंस ऑर्गन में टेस्ट बर्ड्स, और बच्चों ये बताया हमने बेटे सेंस ऑफ ऑर्गन कौन सा स्मेल के लिए दैट इज़ ऑल्फैक्टरी सैक, और ऑल्फैक्टरी सैक इज नेजो हाइपोफेसियल सैक, और ये देख रहे बच्चों
इंटरनल ईयर दैट इज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और उसके बॉडी के साइड्स की बात करें तो बिल्कुल फिश की तरह से वही सेम क्या देखेंगे बच्चों, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स। तो प्यारे बच्चों ये सारा सब कुछ और सेंसरी ऑर्गन्स का, और जो नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आगे कवर करेंगे इसके और शोर टाइप क्वेश्चंस, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्यारे बच्चों ये सारा सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटे कवर किए हैं, और आप बेटा नोट कर लें ये सारा सब कुछ, और कल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर देंगे। ठीक है, थैंक यू।